आपने अभी मेंशन किया कि आप एंड यूजर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हो, तो जब एक गेम डेवलप हो रहा होता है तो आपका क्या क्या चीजें ऐसे रहती है जो आप देखते हो फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, जो मे बी कभी कभार यू नो, आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके आपके पास मे बी थोड़ा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज होता है तो आप एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से सोचते हो, राइट? बहुत बार जरूरी होता है दूसरे साइड पे रहना ताकि चीजों को हम बैलेंस कर पाए। तो आपके साइड से आप कैसे सोचते हो और आप क्या क्या फीडबैक देते हो अपने डेवलपर्स को कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए या वैसे होनी चाहिए? कोई एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन आप शेयर कर सकते हो जो आपके एक्चुअली प्रोडक्शन टाइप पाइपलाइन में होगा? तो नॉर्मली बात कैसी होती है कि मैं राकेश से पूछता हूं कि ये जो एनिमेशन है तो ऐसे कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि अच्छा ये तो 2 दिन में हो सकता है, इतना ही तो एनिमेशन है, ये तो बस एक जंप मारना है, यहाँ से एक जंप मारना है, बस उतना ही काम है, उससे क्या बड़ी बात होती है। तो उसके अंदर रिग जो होती है, उसके बाद बोन्स जो होती है, इवन रुको, सो अगर मतलब द मोमेंट वी गॉट अ मोशन कैप्चर, मेरा वहां से रहता कि अच्छा मोशन कैप्चर आ गया, बस पहन लो, जो करना है कर लो, जंप कर लो, मार लो, और आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा। तो उसके बाद जो मेरे को पता चला कि एक ईडी इंटरफेरेंस होता है, सिग्नल के ऊपर इंटरफेरेंस होता है, तो उसको क्लीन अप करना पड़ेगा, वो क्लीन अप के लिए 1 दिन 2 दिन काम चल जाएगा। और रिसेंटली एक कैरेक्टर था होलिका, एक्चुअली होलिका के लिए हम लोग टीजर बना रहे थे अभी, म्यूजिक पे अभी म्यूजिक काम चल रही है उसका, म्यूजिक बनाने के लिए एक इंट्रो टीजर एक्चुअली। तो उसमें जब इनिशियली हमारा ये था कि हम लोग जब स्टोरी बोर्ड बना रहे थे, मेरा कंडीशन ये था कि ये सब बहुत सारी चीज मैंने डाल दिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए स्टोरी बोर्ड में, ऐसे होना चाहिए। फिर बाद में डेवलपर्स आते हैं, सर ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ये बहुत मुश्किल है, इसमें टाइम लग जाएगा, ये टाइमलाइन के अंदर नहीं होगा। तो अच्छा इसका क्या कर सकते हैं, आई ड्रॉप गिरने के लिए बहुत टाइम लगेगा तो मास्क लगा दो, एक्सप्रेशन सही से नहीं आएगा तो मास्क लगा दो, हेयर थोड़ा सा लूज जाएगा तो हेयर ग्राफिक्स करने के लिए फिजिक्स बहुत मुश्किल होती है, तो बाल को छोटा बना दो। तो सो इन दैट एस्पेक्ट वो चीज तो दैट कॉन्वर्सेशंस आर इंटरेस्टिंग, हर दिन होते रहते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि ये बहुत आसान बात है, ये तो हो जाएगा 2 दिन में, लेकिन डेवलपर्स पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए तो बहुत दिन लगेगा। और कभी कभी सरप्राइज भी कर लेते हैं कि मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ उसके ऊपर भी दे देते हैं, एक्चुअली वो सरप्राइज हो जाती है, तो वो हर दिन का चीज है। जैसे हम लोग एक ऐरावत का एनिमेशन कर रहे थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऐरावत इन ए पर्टिकुलर सेंस, एक्चुअली ऐरावत मतलब इंदिरा इंदिरा का जो व्हीकल होता है ऐरावत है, 7 ट्रंक्स एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। तो आर टीम बेसिकली उसको क्या करते हैं, 3 डिफरेंट स्किन बना दिया, 3 डिफरेंट स्किन्स, और एक एक स्किन को डिफरेंट एनिमेशन स्ट्रक्चर दे दिए। सो इन एक ऐरावत का एक स्किन है जो साइबॉर्ग के तरह स्किन है, उसको एक्चुअली वो पैर के नीचे उनको एक्चुअली बूस्टर्स डाल दिए कि वो एक्चुअली जब एनिमेशन करती है इट विल फ्लाई, लाइक बूस्टर एंड ड्रॉप होती है। तो कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी आ जाती है, कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती है, जो हम लोग सीधे के सीधे मूवी और बाकी ट्रेलर्स को गेम्स को देखते हैं और वही एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम से भी, लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से, रिगिंग के हिसाब से वो सब चीज कभी कभी हो जाता है।